अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्विज़ नंबर 3 जो है वो सॉल्व करना जो है उसका सलूशन बताऊंगी। इससे पहले कि आज की हम वीडियो पे चलें, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आगाही हासिल हो सके। चलो चलते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के LMS पे और इस जो है ना आज का क्विज नंबर 3 जो आया हुआ है उसको हम पिक करते हैं। यहाँ पे लेते हैं स्टार्टअप क्विज और स्टार्टअप क्विज पे हम जाते हैं। यहाँ पे है इन अडोब फोटोशॉप इफ़ यू कैन ऐड इन इमेज बाय कलर बैलेंस देन विच कलर विल बी सेलेक्ट फ्रॉम इट। तो अडोब फोटोशॉप में हम इफ़ यू कैन ऐड इट इन इमेज बाय कलर बैलेंस देन विच कलर वुड बी सब्ट्रैक्ट, तो कौन सा कलर करेंगे, ब्लू रेड येलो ग्रीन। इन अडोब फोटोशॉप कैन यू एडिट इन इमेज बाय कलर बैलेंस, कलर बैलेंस में आप इमेज डालेंगे देन विच कलर विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, कौन सा कलर जो है ना हम सब्ट्रैक्ट जो है ना वो इसमें से करेंगे, ब्लू रेड येलो ग्रीन। तो इसका इमेज में से कौन सा कलर जो है ना हम नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से मैं येलो डाल देती हूँ। येलो डाल लेती हूँ, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा। विच टूल इज़ यूज टू रीटचिंग एंड रिपेयरिंग द इमेज, जो रीटच करता है उसमें कहा के जो रीटचिंग एंड रिपेयरिंग द इमेज, हीलिंग ब्रश टूल मूव टूल रेजर टूल लेजर टूल। तो जो हीलिंग टूल है ना ये जो है रीटचिंग इमेज को करने के लिए यूज़ होता है। ये मूव फ्रॉम माई नेक्स्ट क्वेश्चन, अडोब फोटोशॉप इज़ द डैश बेस्ड सॉफ्टवेयर, पिक्सल बेस है, शेप बेस है, कलर वेक्टर। तो ये अडोब फोटोशॉप वेक्टर बेस सॉफ्टवेयर है। बर्न टूल इज़ यूज टू ऐड, बर्न जो है वो टूल डार्कनेस के लिए होता है, एडो ओपेसिटी लाइट। तो यहाँ पे जो बर्न टूल है यहाँ हम देखते हैं बर्न टूल, डोज टूल, ब्लर टूल और बर्न टूल। यहाँ पे बर्न टूल वो कहाँ पे है, बर्न टूल ब्रश टूल पेंसिल टूल मिक्सर ब्लर टूल, बर्न टूल का ब्लर टूल आ रहा, AI टूल कन्वर्ट एंड टूल, यहाँ पे एक और है तो ये बर्न टूल है। तो बर्न टूल जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, ये उन्होंने पूछा हुआ है कि बर्न टूल जो है किसके लिए यूज़ होता है, डार्कनेस शैडो ओपेसिटी लाइट। तो बर्न टूल जो है ना वो ओपेसिटी डाल देते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लोन स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल जो है ना इसका क्या पर्पस है, टू रिपीट द सिलेक्शन एरिया, टू ऐड द स्टैम्प इन डिज़ाइन, टू ऐड द सिलेक्ट एरिया, टू रिमूव द सिलेक्ट एरिया, टू रिपीट। तो ये जो क्लोन टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल जो है ना वो रिपीट जो है जहाँ पर जहाँ पे आप उसकी रिपीटेशन जो है ना वो डाल देता है। सेव फ्रॉम मूव एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ पेन टूल इन अडोब फोटोशॉप, इसकी पी है पेन टूल की। सेव मूव फ्रॉम एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपेसिटी वैल्यू इज
परसेंटेज ऑफ, ओपेसिटी वैल्यू इज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ब्लेंडिंग कलर और रिटचिंग ट्रांसफॉर्म। तो ओपेसिटी वैल्यू परसेंटेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी की होती है। तो इसके सेव मूव फ्रॉम एन नेक्स्ट क्वेश्चन इन एडोब फोटोशॉप शॉर्टकट की ऑफ ए यू सेचुरेशन इज। यू सेचुरेशन की जो शॉर्टकट की जो है यहाँ पे, शॉर्टकट की जो है यहाँ पे पड़ी हुई थी, मैंने यहाँ पे डाली थी, यहाँ पे शॉर्टकट की, यहाँ पे एडोब फोटोशॉप की शॉर्टकट कीज जो थी वो पड़ी हुई थी। हाँ, यू सेचुरेशन की शॉर्टकट की क्या है? यू सेचुरेशन यू सेचुरेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल ओ और कंट्रोल डी, कंट्रोल एच, तो इसका ना कंट्रोल एच हो सकता है सिचुएशन की शॉर्टकट की, यहाँ पे भी इसका होगा सिचुएशन जो है ना, यहाँ पे है सिलेक्शन में है सिचुएशन। हाँ जी, तो इसका यही है, कंट्रोल प्लस एच ही है। दी सिलेक्शन टूल यूज टू लीनियर ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन टूल जो है यूज टू लीनियर ऑब्जेक्टिव, पॉलीगॉन लेजर टूल, लीनियर ऑब्जेक्ट मूव टूल। सिलेक्शन टूल इज यूज टू लीनियर ऑब्जेक्टिव जो है वो पॉलीगॉन लेजर टूल, मूव टूल, शेप टूल, पेन टूल। तो जो सिलेक्शन टूल जो है ना वो मूव टूल है, इसका आएगा यहाँ पे है इसका ये सिलेक्शन टूल जो है ना इसका है मूव टूल, मूव टूल ही आएगा इसका। फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन सेविंग का बटन थोड़ा सा नेट की स्पीड की प्रॉब्लम आ रही है। एरियल ऑब्जेक्ट मूव टूल, ये सेव हो गया लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा रहा। एक क्वेश्चन रह गया, वो भी अब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब देखें क्या था। ये आ गया, यूजिंग डैश मास्क कैन बी हाइड एनी पोर्शन ऑफ ए कंटेंट इन अ लेयर एंड स्टिल कैन गेट बैक बाय डिलीटिंग ए डिसेबलिंग दी मास्क। यूजिंग डैश मास्क लेयर मास्क वी कैन हाइड अवर ओ पोर्शन ऑफ ए कंटेंट ऑन अ लेयर एंड स्टिल कैन गेट बैक डिलीटिंग ए डिसेबलिंग द मास्क, डिसेबलिंग द मास्क। तो लेयर है, क्लिपिंग है, कटिंग है, क्रॉपिंग है। उन्होंने कहा यूजिंग डैश मास्क क्लिपिंग मास्क कैन हाइड
एनी पोर्शन ऑफ ए कंटेंट इन अ लेयर एंड स्टिल कैन गेट बैक टू डिलीटिंग ए डिसेबलिंग द मास्क। तो ये क्लिपिंग मास्क आएगा इसका। यूजिंग डैश मास्क कैन बी हाइड एनी पोर्शन ऑफ ए कंटेंट इन अ लेयर एंड स्टिल कैन गेट बैक बाय डिलीटिंग डिसेबलिंग द मास्क। तो यहाँ पे ये लेयर मास्क भी आ सकते हैं। लेयर मास्क इसको डिलीट करेंगे तो दोबारा जो है ना इसका आ सकता है। सेव मूव फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे जो 10 क्वेश्चन हैं वो सेव हो चुके हैं। इस दफ़ा ज़रा वो इसके नेट की स्पीड की प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से इसका स्लो प्रोसीजर था। अब कौन से सेव हो गए हैं ये पता नहीं, ये हो गए होंगे अब यहाँ पे। तो ये ना सेव हो जाता है खुद ही। तो यहाँ पे ये वाले जो क्विज हैं आपके सेम नहीं हो सकते और तरह के भी हो सकते हैं, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लें ताकि आपको इसमें हेल्प मिल जाए। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।